हाय गाइज, तो वेलकम है आपका लूटर जन्नत में। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको साइन अप पर मिलेगा 750 रुपये और आपको मिलेगा रेफर पर तकरीबन 750 रुपये। लेकिन गाइज, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा इन्वेस्ट 150 रुपीज़, जो आप इंस्टेंटली विड्रा भी कर सकते हैं। मतलब वो कुछ भी नहीं करना है, बस डिपॉजिट करना है और फिर ट्रेड करना है और फिर वापस लेना है। मतलब यहाँ पर आपको 0 पैसे से आपको बन जाएगा 750 रुपीज़ साइन अप पर, और फिर अगर आप रेफ़र करेंगे लोगों को तो पर रेफर आपको 750 रुपीज़ मिलेगा। तो किस तरह करना है गाइस, वो सब मैं बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले गाइस, आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम पर जाना है और सर्च करना है लूटर जनत। जो पहले आएगा गाइस, उस पर आपको क्लिक करना है। लूटर जनत को ज्वाइन करने के बाद गाइस, यहाँ पर जो भी अपडेट आता है, मतलब किसी भी लूट का, वो हम टेलीग्राम पर भी डालते हैं। तो सिंपली गाइस, इसके बाद क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम पर आपको एक लिंक मिलेगी और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी एक गेट आयो की लिंक मिलेगी। गेट आयो की लिंक पे क्लिक करने के बाद गाइस, आपको डाल देना है यहाँ पर और इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्या करना है गाइस, आप मैं बता दूंगा आपको। अब आपको सिंपली जाना है ऊपर और आपको साइन अप पे अब क्लिक करना है। तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद गए, जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको देना है कंट्री इंडिया, और फिर इंडिया देने के बाद गए, यहाँ पर यूज़र नेम देना है कुछ भी, लाइक सुहेल125 ऐसा ही कुछ, ईमेल देना है, पासवर्ड रखना है, और फिर यहाँ पर रेफर आईडी मेरी आपकी खुद यहाँ पर आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है गाइज़, आपको मैं बता देता हूँ। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज़, आपका क्या हो जाएगा कि आपको बताया जाएगा कि आपकी ईमेल पर वेरिफिकेशन आ जाएगा, तो वो वेरीफाई कर देना। वेरीफाई कर देने के बाद गाइज़, आपको क्या करना है, आपको सिंपली आना है अपने ब्राउज़र में और यहाँ पर लॉगिन करना है। तो यहाँ पर ईमेल देना है, ईमेल के बाद पासवर्ड देना है, और फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ वेरिफिकेशन आ जाएगी, तो ये वेरीफाई कर देना। तो मैं बोट से यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। तो गाइज, ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर कंफर्म कर देना और फिर सेंड ईमेल पे कोड पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद गाइज, आपको जाना है ईमेल पे, और कुछ सेकंड्स के बाद यहाँ पर आपको ईमेल आ जाएगी वेरिफिकेशन के लिए। तो गाइज, ये आप सारा देखना वीडियो, क्योंकि इसमें एक ट्विटर का स्टेप है, अगर वो नहीं करेंगे आप तो आपका सारा पैसा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब आपको क्या करना है, आपको पूरा देखना है वीडियो। तो गाइज, 1-2 मिनट वेट करने के बाद गाइज, यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड नहीं आया, तो मैं स्पैम फोल्डर पे चेक करता हूँ, लेकिन नहीं आया है यहाँ पर भी। तो क्या करना पड़ेगा गाइज, सिंपली आपको जाना है फिर यहाँ पर। तो फिर मैं अब थोड़ा सा बैक स्टेप लेता हूँ, फिर आपको लॉगिन कर देना है। तो गाइज, यहाँ पर मैं कंफर्म करता हूँ और सेंड ईमेल पे क्लिक करता हूँ। अभी देखते हैं, शायद अब ईमेल आ जाएगी। अब हम थोड़ा वेट करते हैं। यस, अभी जल्दी आ गया। तो हम करते हैं ये कॉपी, कॉपी करने के बाद जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद गाइज, यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ। तो अब आपको क्या करना है गाइज, अब आपको सिंपली क्या करना है वो मैं बता दूंगा। अब आपको जाना है यहाँ पर ऊपर, और आपको करना है यहाँ पर क्लिक अकाउंट सेटिंग पे। अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद गाइज, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी सेटिंग पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी सेटिंग पे क्लिक करने के बाद गाइज, सबसे पहले आपको क्या करना है वो आप मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो गाइज आपको करना है पहले माई बैलेंसेस पे क्लिक, और जो यहाँ पर माई आईडी है ये आपको कॉपी करना है। ये कहीं पर कॉपी करने के बाद गाइज, आपको फिर जाना है यहाँ पर आइडेंटिफाई एंड सेफ्टी। तो इसके बाद गाइज, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको केवाईसी, तो ये वाला केवाईसी आपको मतलब कर देना है कंप्लीट। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको देना है इंडिविजुअल होगा, फिर आपको करना है यहाँ पर इंडियन नेशनल, इंडिया कंट्री देना है, और इसके बाद फिर होगा नेशनल आइडेंटिफिकेशन, तो आपको देना है नेशनल आईडी कार्ड वहाँ पर, और फिर अपने जो आधार कार्ड है उसका नंबर दे देना। नंबर देने के बाद फ्रंट आधार कार्ड, बैक साइड आधार कार्ड, वो अपलोड कर देना, और लास्ट में आएगा कि आप अपना फ़ोटो दे दो, जिसमें एक हाथ में आपको होगा स्लिप और दूसरे हाथ में होगा आधार कार्ड। वो कैसे करना है बता दूंगा। सिंपली गाइज, आपको क्या करना है, आपको स्लिप लेनी है। उस स्लिप में आपको ये लिखना है, आप देख सकते हैं, गेट डॉट आईओ आईडी कॉलन, और फिर नीचे यहाँ पर आपको आईडी देनी है अपनी। ये आईडी कहाँ देनी है, मतलब आईडी कहाँ से आपको मिलेगी, वो मैंने बता दिया। आपको बैलेंस में जाना है, माई बैलेंसेज में, और वहाँ पर आपको आईडी मिलेगी।
तो इसके बाद गाइज क्या करना है, ये स्लिप, उसको ये जो स्लिप है, ये जो आप मतलब जो आपने लिखा इस पे कुछ, तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है, मैं बता देता हूँ, आपको सिंपली अपने किसी भाई को या किसी फ्रेंड को बताना है कि मुझे एक फ़ोटो उठाओ। फ़ोटो कैसे उठाना है मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले आपको क्या है, एक हाथ से आपको ये मतलब पकड़ना है, ये स्लिप पकड़ना है, और दूसरे हाथ से आपको आधार कार्ड पकड़ना है। तो इसी तरह से गाइज जब आप फ़ोटो लेंगे, तो अगर ये ज़्यादा बड़ा हो गया ये फ़ोटो, तो आप क्या कर देना, इसका आप स्क्रीनशॉट उठा देना। स्क्रीनशॉट उठाने के बाद इसको क्रॉप कर देना, मतलब इसको इतना बड़ा कर देना, मतलब जितना है ये, इसके बाद आप अपलोड कर देना। तो इसी तरह से गाइज ये ट्रिक है छोटा करने की, क्योंकि ये जो मतलब आप सीधे कैमरा से फ़ोटो उठाते हैं, इसका बहुत बड़ा होता है, तो आप मतलब इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो गाइज इसके बाद क्या है कि आप ये सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपका 1-2 घंटे में आपका जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो गाइज फिर आपको क्या करना है, जब आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, केवाईसी सक्सीड आ रहा है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है यहाँ पर, आप जाए gate.io पर हम क्लिक करते हैं। तो इस पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको क्या करना है वो मैं बता दूंगा, बस आपको ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉइन्स दिखेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको पहले स्पॉट पे ही जाना है। स्पॉट पे जाने के बाद गाइज यहाँ पर मार्केट दिख रहा है, बहुत सारे कॉइन्स दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है वो मैं बता दूंगा, मैं बेक स्टेप लेता हूँ। तो गाइज व्यू मोर प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद जो आपने नीचे देखा, तो उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको करना है TRX। तो मैं TRX पे सिलेक्ट करता हूँ, पता नहीं गाइज यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 सेकंड। तो देखते हैं गाइज, थोड़ा सा वेट करता हूँ मैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं TRX यहाँ पर आ गया है, तो अब क्या करना है आपको, अब इसको आप पे क्लिक करना है TRX पे। तो गाइज TRX पे क्लिक करने के बाद आपको ट्रेड पे क्लिक करना है। ट्रेड पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, लेकिन ट्रेड कैसे करना है, उसके लिए आपको चाहिए 120 रुपीज़ का TRX। TRX किस तरह आपको करना है जमा, तो यहाँ से आप TRX में आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको करना है अकाउंट सेटिंग पे क्लिक और माई फंड्स पे क्लिक करना है। माई फंड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपके जो फंड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ TRX। तो TRX सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ट्रॉन आया है, उसको मैं क्लिक करता हूँ, और आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, मेरे में यहाँ पर 75 ट्रॉन है, लेकिन आपको डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट कैसे करना है, यहाँ पर जो ट्रॉन दिया है इसको आपको डिपॉजिट करना है। ये देखना है आपको, ये जो दूसरा और तीसरा मतलब दिया है, इस पर क्लिक नहीं करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद गाइज डिपॉजिट पर क्लिक करना है, और डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर आपका एड्रेस ये है, तो ये एड्रेस आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो इस एड्रेस पे आपको TRX भेजने हैं। अगर आपको आता है मतलब TRX भेजना किस तरह, तो आप यहाँ पर खुद भेज सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करना, मैं आपको टेलीग्राम की आईडी देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम में जाना है, वो टेलीग्राम में जाने के बाद गाइज आपको सिंपली करना है यहाँ पर @SUHAILQU, ये आपको सर्च करना है, और यहाँ पर ये जो पहले आपको आईडी आ रही है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। फिर से ध्यान से देखो गाइज, मेरे टेलीग्राम आईडी का जो है ना नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर @SUHAILQU, मतलब जो ये स्पेलिंग है आपको एग्जैक्टली यही डालना है, वरना बहुत सारे स्कैमर्स होते हैं, वो आपको मतलब कर देंगे, फिर परेशानी
करेंगे आपको। तो इस पे क्या करना है, आपको मुझे मैसेज करना है कि मतलब मैं मुझे TRX चाहिए। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये वाला एड्रेस कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पहले मुझे मेरा मतलब आपको बोलना है कि आपको मुझे 120 रुपीज़ देना है। वो किस तरह आपको मैसेज करना है, हेलो प्लीज़ सेंड UPI या कुछ भी UPI और MPay। तो आपको कुछ मुझे मैसेज करना है, जब आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको पेमेंट डिटेल्स बता दूंगा। तो पेमेंट डिटेल्स बताने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको मुझे 120 रुपीज़ सेंड करना है। सेंड करने के बाद गाइस आप मुझे ये जो मतलब आपका जो एड्रेस होगा TRX का, वो आप मुझे पेस्ट कर देना यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्रॉन डिपॉजिट एड्रेस। गाइस ये पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली मतलब मैं आधे घंटे में तकरीबन मैं आपको TRX प्रोवाइड करूँगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में आपको सेंड करूँगा। तो गाइज 1 आवर के बाद आपको चेक करना है और आपको 120 रुपीज़ का जो TRX है वो आया होगा। अगर बेहतर है आप 150 रुपीज़ सेंड करें तो मैं आपको 150 रुपीज़ का देता हूँ। तो इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको फिर आपको यहाँ पर रीसेंट ट्रांजेक्शन्स आप देख सकते हैं, डिपॉजिट रिकॉर्ड्स, इस पे भी आपको मिल जाएगा कि आपकी ट्रांजेक्शन हुई है। तो गाइज 1 घंटे के बाद जब आपका जो ये सेंड हो जाएगा मतलब आपके वैलेट में ये आ जाएगा, तो फिर आपको वापस लेना है गेट आयो पर और सिंपली वही प्रोसेस करना है, मतलब मोर प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है, मोर फिर आपको TRX यहाँ पर भी सर्च करना है। और सर्च करने के बाद गाइज यहाँ पर फिर आपको ट्रेड करना है, और ट्रेड आपको कैसे करना है मैं वो समझाऊंगा आपको, बस आप वीडियो देखते रहना। तो गाइस यहाँ पर TRX आया है, TRX को मैं करता हूँ यहाँ पर ट्रेड पे क्लिक। ट्रेड पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है बता देता हूँ, लास्ट में वो भी बता दूंगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है मतलब ट्रेड कैसे करना है, यहाँ पर ये सारा कैसे करना है, इसका भी सोल्यूशन दे दूंगा, तो आप टेंशन मत लेना इसका। मतलब मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों को ये सारा कुछ नहीं आएगा। तो आप क्या कर देना, आप बस जो है ना आप KYC कर देना, मतलब अपना जो आधार कार्ड है वो सारा कुछ कर देना, और बाकी प्रोसेस में यहाँ पर आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि आपको क्या करना है। जिन लोगों को ये आएगा बेहतर है खुद करें, तो यहाँ पर आपको ये खुद सारा काम करना है। तो गाइस क्योंकि मेरे पास TRX है तो मैं सेल TRX पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और सेल यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ऑर्डर्स हैं सेल के, मैं लास्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो गाइस आपको ऊपर वाले पे क्लिक करना है, ठीक है, तो मैं करता हूँ यहाँ पर किसी पे भी क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे 100% सिलेक्ट करना है। 100% सिलेक्ट करने के बाद सेल TRX पे मुझे करना है क्लिक, और मुझे कंफर्म पे क्लिक करना है। तो इसके बाद मुझे फंड पासवर्ड पे मांगेगा, तो फंड पासवर्ड पहले ही रखते हैं, मतलब जब जब साइन अप करते हैं तो उस टाइम गाइज वहाँ पर फंड पासवर्ड रखा होता है, तो जो आपने रखा होगा वो आपको यहाँ पर दे। तो गाइज फंड पासवर्ड आप उस टाइम क्या रखना, मतलब नंबर्स का रखना, लाइक 2 4 7 6 7 8 इसी तरह। तो मैं आप सबमिट पे क्लिक करता हूँ, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो मेरा ऑर्डर है गाइज वो यहाँ पर चला गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन अभी ये फिल नहीं हुआ है। तो ये डन हो जाएगा कुछ देर में, ये डन हो जाएगा। अगर नहीं होता है यहाँ पर देख सकते हैं, तो गाइज अगर ये नहीं होता है मतलब 5 10 मिनट में भी ऑर्डर कंप्लीट, तो यहाँ पर आप कैंसिल भी कर सकते हैं और फिर नया ऑर्डर लगा सकते हैं। तो 100, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 बाइक का ऑर्डर जो है 3112 है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं ढूंढता हूँ 3112, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 3। तो ये वाला आप लगा देना गाइज, आप सबसे नीचे वाला लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ये सबसे नीचा, तो आप यही कर देना पहले ही, फिर यहाँ पर 100% और फिर यहाँ पर सेल TRX पे क्लिक, और यहाँ पर कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक। कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद गाइस थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पर जो आपका ऑर्डर है वो कंफर्म हो जाएगा। तो गाइस कुछ मिनट के बाद मैंने देखा तो फिर भी ऑर्डर नहीं हुआ था, तो मैंने फिर कैंसिल किया। अब इस बार मैं क्या करता हूँ, देखो
अब यहाँ पर सबसे जो बाइंग ऑर्डर हैं 3098 हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक, मैं लिखता हूँ 3090। तो इस पे क्लिक करने के बाद मैं सेल TRX पे क्लिक करता हूँ और मैं कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद गाइस अभी भी सेल नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएशन होती रहती है। मैं यहाँ पर एक रिफ़्रेश करता हूँ गाइस, तो गाइस मेरा यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ था देख सकते हैं। तो मैं 3900 पे लगाया है मुझे, तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है तो मैं यहाँ पर कैंसिल पे करता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, पता नहीं ये क्यों हुआ था, मुझे करना है 3088 पे मैं भी करता हूँ। कंफर्म पे क्लिक, आई डोंट नो गाइस व्हाई इट हैपन्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब अजीब हो रहा है यहाँ पर गाइस। जीरो पॉइंट जीरो, अब यही ट्रिक करनी पड़ेगी यहाँ पर। और 100% पे फिर सेल TRX पे क्लिक करना होगा। तो गैस हमारा जो TRX है वो चेंज हो चुका है, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो गैस हमारा जो TRX है वो USDT में चेंज हुआ है। अब हमें फिर करना है, लेकिन अब हमें बाय करना है, बाय हमें करना है यहाँ पर ऊपर वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर अब थोड़ा सा ऊपर ऊपर लेना है और हमें 100% पे क्लिक करना है बाय TRX पे और कंफर्म पे करना है। तो गाइस कंफर्म करने बाद आप देख सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा रिफ्रेश मारेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, तो हमारा ट्रेड हो चुका है। बहुत ही लंबा हो गया वीडियो आगे से, लेकिन गाइस हमारा जो TRX बैलेंस है वो फिर वापस आ चुकी है। लेकिन गाइस ये लंबा प्रोसेस है, मतलब बहुत सारे बिगनर्स को नहीं पता कि कैसे करना है, उनके लिए मैं गाइस वो आप मुझे टेलीग्राम पर कंटेक्ट कर सकते हैं, @SohailQuyum पर कंटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ इसके बाद गाइज़ आपको क्या करना है, ये TRX आप वापस भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा मानो फिलहाल आप ये यही रखो। तो गाइज़ सबसे अब क्या करना है आपको, अब आपको वेट करना है और 10 दिन के अंदर आपका जो मतलब $10 है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको मतलब पर रेफर भी 10 मिलने वाला है, तो वो किस तरह करना है, तो सिंपली गाइज़ आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर, आपको जाना होगा यहाँ पर अकाउंट सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद आपको यूज़र प्रोफाइल पर भी क्लिक कर सकते हैं, शायद यहाँ पर आपको रेफर लिंक मिलेगी, नहीं नहीं आपको मिलेगा, तो माय बैलेंसेस पे आपको क्लिक करना है। रेफर आईडी कहाँ मिलेगी वो मैं ढूँढ रहा हूँ, हाँ तो माय रेफरल्स पे दूसरा है यहाँ पर, माय रेफरल्स पे, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी जो है रेफर आईडी मिल जाएगी। तो गाइस अब आपको क्या करना है, ये सेटअप भी आपने किया है तो मैं एक स्टेप भूल गया गाइस, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली जाना है टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा ये वाला पोस्ट। तो
तो लूट और जन्नत में ये पोस्ट जब आपको मिलेगा तो आपको क्या करना है, आपको करना है ट्विटर पे क्लिक, और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको तो आपको रिट्वीट पे क्लिक करना है, कोट ट्वीट पे क्लिक करना है, और आपको लिखना है नाइस प्रोजेक्ट या कुछ भी। फिर आपको करना है यहाँ पर माई आईडी और अपनी आपकी जो रेफर लिंक है जो आपको मिली है उसको यहाँ पर डालना है, और फिर आपको रिट्वीट पे क्लिक करना है। तो गाइस रिट्वीट पे क्लिक करने के बाद आपकी जब ट्वीट हो जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो ट्वीट है वो हो चुकी है। अब बस गाइस आपको क्या करना है, अब आपको वेट करना है, वेट करना है आपको 5 से लेकर 10 दिन तक, और आपके जो $10 हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे, और $10 आपको पर रेफर भी मिल जाएंगे। लेकिन गाइस बहुत ही लंबा प्रोसेस है आई कैन से, लेकिन अगर आपको ये नहीं आएगा बस आप कर देना किस तक आप कर देना वहाँ तक, मतलब केवाईसी तक, केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आप मुझे 120 रुपीज़ देना, और बाकी ट्रेडिंग वेडिंग जो भी है वो मैं खुद करूँगा।